गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वेलकम इन 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 की हमने आपको एक या दो शीट्स भी भेज दी है। अभी हम लोग आपको चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू भेजेंगे और हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 13। और 2 से 3 दिन बाद आपका चैप्टर 6 का टेस्ट होगा, तो अब आप चैप्टर 6 की तैयारी शुरू कर दीजिए। चैप्टर 6 का आपका टेस्ट होने वाला है और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो सर व्हाट्सएप पे जरूर पूछें, हम लोग देर सवेर करके कैसे भी जल्दी से बताएंगे उसको, ठीक है। और अभी हम लोग 13 चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो 13 चैप्टर में सबसे पहले नाम आता है क्यूबॉइड और क्यूब का, ठीक। तो पहले हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लें और उस फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्यूबॉइड बना रहा हूं। देखिए, ठीक है, सबसे पहले नाम आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये देखिए, किसे बोलते हैं वॉल्यूम। देखिए, मेरे पास इस समय एक क्यूबॉइड है, राइट। ये देखिए, इस क्यूबॉइड का अंदर जितना स्पेस है मैं इसके अंदर कितना सामान भर सकता हूं, इस बॉक्स के अंदर मैं कितना सामान भर सकता हूं, ठीक है। तो जो अंदर इसकी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी उस स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, राइट। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल्स एल इंटू बी इंटू एच। अगर मुझे एल का फॉर्मूला बनाना हो तो मैं बी और एच को नीचे ले जाऊंगा, बी अपॉन एच, ठीक है। अगर मुझे ब्रेथ का फॉर्मूला बनाना हो तो मैं एल और एच को नीचे ले जाऊंगा, और अगर मुझे हाइट का फॉर्मूला बनाना है तो मैं वी के नीचे एल इंटू बी ले जाऊंगा। ये देखिए, अगर आपको L निकालना है तो B और H नीचे आ जाएंगे, B निकालना है तो L और H नीचे आ जाएंगे, और अगर H निकालना है तो L और B नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं वॉल्यूम से, ठीक है। इसके बाद नाम आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये देखिए, चलिए अब जरा ध्यान से ना फॉर्मूले को रटने की बजाय इस बॉक्स से हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक। पहले हम इसके फेस गिनते हैं कितने हैं, ये देखो 1, ठीक है। इसकी बैक साइड में 2, 3 और फिर 4, ठीक। अब 5, 6, 7 और 8, ये देखो, सॉरी कितने फेस हैं गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेस होते हैं। जिस कमरे में बैठ के इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखें ऊपर नीचे छत और फ्लोर, ठीक है। आपके दाएं बाएं 2 दीवारें और आपके आगे पीछे 2 दीवारें, तो कितने फेस हो गए, 6। अब चलिए इस वाले फेस को देखते हैं, ये वाला फेस बताइए ये क्या है, ये है लेंथ और ये क्या है हाइट। तो इस फेस का एरिया हो गया L into H। जो फेस इसका एरिया होगा वही इसके पीछे वाले का भी एरिया होगा, ठीक है। अब चलिए इस फेस की बात करते हैं, ये लेंथ, ठीक, ये देखो ये लेंथ और ये क्या होगा इसकी ब्रेथ। इस वाले फेस में ये लेंथ थी और ये हाइट थी। इस वाले फेस में जो ऊपर का फेस है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे, ठीक है। चलिए अब इस वाले फेस की बात करते हैं, राइट, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो बी इंटू एच भी कितनी बार आया, 2 बार, क्यों, एक बार इसके पीछे वाले का भी होगा। तो जो आपके सामने वाली दीवार का एरिया होगा वही पीछे वाले का होगा, जो छत का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होगा, जो आपकी लेफ्ट साइड की दीवार का एरिया होगा वही सामने वाली राइट साइड की दीवार का एरिया होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और ये सब कितनी कितनी बार हो गए, 2-2 बार। ये देखो लेंथ और ब्रेथ, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक। ये देखो लेंथ और हाइट, एक बार यहां और एक बार इसके बिल्कुल बैक साइड में, ठीक। ये देखो हाइट और ब्रेथ, तो बी इंटू एच इधर भी और इधर भी, तो 6 फेस हो गए, ठीक है। तो एल इंटू बी भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ध्यान से देखिए 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। चलिए अब 4 दीवारों के एरिया में देखते हैं दीवारें कहां है, ये रही 1, ये रही 2, ये रही 3, ये रही 4। ये ऊपर की छत भी हट गई
और नीचे का फ्लोर भी हट गया, यानी कि ये वाला एल इंटू भी हट गया। अब बताइए जब ये एल इंटू भी हट गया तो चार दीवारें बच गई, तो टू बताओ क्या बच गया, बी एच और एच एल। अब बताइए इस बी एच और एच एल में क्या कॉमन है, एच कॉमन है, बताओ क्या बचा, इधर से बच गया एल, इधर से बच गया बी। ठीक है, समझ में आया क्या हेडिंग लिखा, सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो जब भी फोर वॉल्स की बात होगी, केवल फोर वॉल्स की, बस ये देखिए आपकी चारों तरफ की दीवारें, बस फोर वॉल्स, छत भी हटा दी और फ्लोर भी हटा दिया। छत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो फ्लोर का एरिया भी एल इंटू बी होगा, तो इसको हटा दिया तो चार दीवारें बच गई, तो बच गई बी एच और एच एल, और साथ में टू चल रहा है। ठीक है, दो दीवारें आमने सामने और दो दीवारें आगे पीछे, तो इनमें से एच कॉमन ले लिया, इस साइड से एल बच गया, इस साइड से बी बच गया। ठीक, तो ये सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद नाम आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है ही, सपोज क्या है, क्यूबॉइड है ही, मुझे इसके अंदर किसी रोड को रखना है। ठीक, अब नई नई पेंसिल आप मार्केट से लेकर आए, वो ऐसे पूरी नहीं आ रही, तो आपने क्या किया, इसको ऐसे तिरछा करके रख दिया। देखिए आपने बॉक्स के अंदर डाला और यहां से यहां तक ये देखिए क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस अंदर डायगोनल ऐसे अंदर खड़ा करके रख दिया। जब किसी पेंसिल बॉक्स में पेंसिल नई नई पूरी नहीं आती ना, तो उसको ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं। तो डायगोनल क्यूबॉइड की सबसे बड़ी साइड होता है, सबसे बड़ी लेंथ होता है। आजकल इसका एक नया नाम चल रहा है, क्या चल रहा है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लॉन्गेस्ट रोड का नाम क्या है, डायगोनल है, किसका डायगोनल, क्यूबॉइड का। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद नाम आता है क्यूब, ये देखिए आपके सामने मैं क्यूब बना रहा हूं, ये तो था क्यूबॉइड, अब मैं आपके सामने बना रहा हूं क्यूब। ये देखिए क्यूब की सभी साइड्स आपस में सेम होती हैं, ये देखिए ये बना क्यूब, जैसे लूडो का डाइस होता है ना, गिटो डाइस, जब हम उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, दैट्स अ क्यूब। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने वॉल्यूम पढ़ा था, ऐसे ही हम यहां पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तीन बार, यानी कि ए क्यूब। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। ये देखिए क्यूबॉइड की लेंथ भी अलग है, हाइट भी अलग है, और क्यूबॉइड की ये देखिए हाइट भी अलग है, सॉरी ब्रेथ भी अलग है, लेंथ भी अलग है, और दैट्स अ थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, दैट्स अ लेंथ, इट इज द ब्रेथ एंड इट इज द थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, राइट। तो ये देखिए ए, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ एंड इट इज द हाइट, राइट, दैट्स अ थ्री डायमेंशनल, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब यही क्यूब के अंदर लेकर आएंगे, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, और हाइट भी कितनी, ए, तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि कितना हो गया, ए क्यूब। ठीक है, इसके बाद नाम आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, चलिए ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, और थ्री ए स्क्वायर को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, सिक्स ए स्क्वायर। ये देखिए सपोज कीजिए ये क्यूब है, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने फेस हैं, सिक्स, तो ए स्क्वायर कितनी बार आ गया, छह बार आ गया, इसलिए आंसर आ गया सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नाम आता है सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स इन क्यूब। अब बताइए जब फोर वॉल्स हैं और हर वॉल का एरिया ए स्क्वायर है, तो फोर वॉल्स का कितना होगा, फोर ए स्क्वायर। देखो सिक्स ए स्क्वायर में से एक फ्लोर हटा दिया और एक रूफ हटा दिया, छत हटा दी, तो जब दो टू ए स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बच गया, फोर ए स्क्वायर। इसके बाद नाम आता है डायगोनल ऑफ क्यूब, ये देखिए बताइए डायगोनल ऑफ क्यूब आपने क्या बना था,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए ये देखो कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का a बाहर ले लो, बताओ अंदर रह गया रूट थ्री। ये देखो तो फॉर्मूला क्या हो गया, साइड अंडर रूट थ्री। ये डायगोनल क्यूबॉइड का है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का ए स्क्वायर का अंडर रूट करके ए बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया क्योंकि ए का पेयर बन गया। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए रूट थ्री। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर ये फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर आप फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद क्यूब, तीनों साइड अलग अलग थी, यहाँ तीनों साइड सेम है। देखो तीनों साइड सेम होने की वजह से 6a स्क्वायर, और चार फेस हैं, फोर वॉल्स, फोर वॉल्स में चार ही दीवारें होती हैं, फ्लोर भी नहीं होता और छत भी नहीं होती, तो 4a स्क्वायर। और डायगोनल का फॉर्मूला, इनमें ए स्क्वायर पुट करेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, ए बाहर आ गया अंदर रूट थ्री रह गया। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान रखना अभी जो आपने फॉर्मूले लर्न किए ना, समझे, इनमें से भी अब हमें क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। तो चलिए सबसे पहले लेंथ नोट करते हैं 1.5 मीटर, ब्रेथ नोट करते हैं 1.25 मीटर, और हाइट नोट करते हैं कितना 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 0.65 मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में थे और आपके आंसर में कॉस्ट भी मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर में सबको मीटर में चेंज कर दिया। अब जरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा अभी एक लाइन तो बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, कह रहा है बताइए शीट को कितना, कितनी शीट चाहिए इस बॉक्स को बनाने में। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको ऐसा बॉक्स दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ए ये ये ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि इस बॉक्स का ऊपर का ढक्कन नहीं है। अब जरा बताना, अगर इस बॉक्स का ऊपर का ढक्कन नहीं है तो फिर क्या क्या है। देखो एक तो ये चार दीवारें दिखाई दे रही होगी आपको, चार दीवारें, ये देखिए, ये देखिए चार दीवारें, ऊपर का ढक्कन मत समझना, ये तो ऊपर से ओपन है, ऊपर का ढक्कन है ही नहीं, बस ये चार दीवारें, राइट। अच्छा नीचे क्या है, बेस, फ्लोर। ठीक, तो चार दीवारों का एरिया और नीचे वाले बॉक्स का एरिया, नीचे वाले फ्लोर का एरिया जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इस ओपन बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट यूज हुई। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सो सरफेस एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द ओपन बॉक्स, खुला हुआ बॉक्स बनाना है, टू मेकिंग द ओपन बॉक्स। ठीक है, अब ऊपर से ओपन बॉक्स बनेगा तो क्या आएंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूं खुला हुआ बॉक्स, कितनी दीवारें हो गई, चार, चार दीवारें हो गई, और नीचे का क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो इस बेस का एरिया क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, एल इन टू बी, और फोर वॉल्स का एरिया हमने क्या पढ़ा था, ये देखो 2hl + b। तो ये सारे फॉर्मूले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपस में एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो बताइए फोर वॉल्स का एरिया हो गया 2hl + b, ठीक है प्लस, और फ्लोर का एरिया क्या होता है, एल इन टू बी, ये देखिए एरिया ऑफ फ्लोर, राइट। तो चलिए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, 2 × h की जगह लिखते हैं 0.65, लेंथ की जगह 1.5 और ब्रेथ की जगह 1.25 प्लस
1.5 इंटू 1.25। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1.3। इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 1 2, ठीक है, प्लस। अब 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार और, 15 5 75, 15 30 प्लस 7 37, बिल्कुल ठीक। अब 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट आएगा 1.875। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, और 2 और 1 3, 1 2 3, तीन नंबर पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक, और प्लस 1.875। अब जरा इन दोनों को प्लस करो, 5 और 5 10, 7 3 14 और 1 15, 8 5 13 और 1 14 5। पहले जरा आंसर चेक कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारा आंसर देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं किसी मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो 13.1 का फर्स्ट पार्ट, 5.45, बिल्कुल सही आंसर आया, गजब, 5.45 मीटर स्क्वायर। इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, बस 5.45 मीटर स्क्वायर, राइट, जीरो तो आप आगे जितनी मर्जी लगा दो, सबका यही मीनिंग रहेगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, कि कॉस्ट बतानी है कि कितने रुपए का बनेगा, तो क्या लिखें, द कॉस्ट ऑफ शीट, जो भी आंसर आएगा 5.45, इसकी मल्टीप्लाई बताइए किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे, देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 5 10 9 2 5 10, और 1 0 इसकी, और 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से दोनों जीरो कट जाएंगी, आपका आंसर आएगा ₹109। बताइए समझ में आया, फॉर्मूला इनमें से एडजस्ट करना है, इनमें से फॉर्मूले को एडजस्ट करना है, ठीक है, देखिए फॉर्मूला एडजस्ट किया, कैसे एडजस्ट किया, ओपन बॉक्स, ऊपर का ढक्कन नहीं है, अब ढक्कन नहीं है तो क्या हुआ, ये चार दीवारें, देखो चार दीवारें, और चार दीवारों का एरिया हमने क्या पढ़ा था, 2hl + b, और नीचे का फ्लोर, नीचे का फ्लोर, और फ्लोर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दिया, इतनी इतनी जगह शीट लगी हुई है और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी, 109 रुपए का बॉक्स बनेगा, अगर आपको इस हिसाब से आंसर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। लीजिए लेंथ है 5 मीटर 4 मीटर और कितना 3 मीटर, लीजिए 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर। चलिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करना है, अब जरा देखते हैं कहां कहां करना है, एट द वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की कितनी दीवारें होती हैं, चार, एक तो चार दीवारों पर करना है, और कहां करना है, सीलिंग, सीलिंग किसे बोलते हैं, छत को, आ जाओ भाई जरा बताओ, ए ये देखो ये बना हुआ है रूम, देखो रूम भाई, फ्लोर पे कोई व्हाइट वॉश तो ना होता है, बताओ होता है नहीं, फ्लोर पे व्हाइट वॉश, फ्लोर पे तो व्हाइट वॉश होता नहीं है, तो एक तो चार दीवारें जहां व्हाइट वॉश करना है, और ऊपर की छत, और छत का मतलब सीलिंग, ठीक है, तो क्या लिखूं, यहां पर मैं हेडिंग चेंज करूंगा, क्या लिखूं, सरफेस एरिया ऑफ व्हाइट वॉश द रूम, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ, क्या लिखो, सीलिंग, ठीक है, ये देखो एरिया ऑफ सीलिंग आ गया, अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स का यही फॉर्मूला होता है और सीलिंग का यही फॉर्मूला होता है, जो फ्लोर का एरिया होगा वही सीलिंग का एरिया होगा, ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस फटाफट, एल इंटू बी इंटू एच, देखिए एल बी और एच की वैल्यू पुट करते हैं, 2 × h बताओ कितना, 3, लेंथ कितनी 5, ब्रेथ 4 और 5 × 4,
तो ये हो गया 6 × 9 प्लस कितना 20, 54 प्लस 20 आपका आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, 3 × 6 5 + 4 9 6 = 54 5 × 4 = 20 प्लस करके आ गया। अब वो पूछा है कि इस व्हाइट वॉश को करने में कितना खर्च आएगा, तो क्या लिखें, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, क्या करें, जो हमारा आंसर आया 74 इसकी 7.50 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए 74 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक नंबर से पहले पॉइंट आ गया, हमारा आंसर 555 आ गया। जरा चेक कर लेते हैं कि 13.21 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है 555, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। तो आंसर आ गया रुपीज 555 और साथ में एक जीरो थी और पॉइंट लगाना था, पॉइंट से जीरो कट गई, हमारा आंसर आ गया 555। बताइए समझ में आ गया, देखा आपने पहले क्वेश्चन में ओपन बॉक्स था तो ये वाला फॉर्मूला लगा, दूसरे ऑप्शन में व्हाइट वॉश करना है चार दीवारों पर और छत पर, तो चार दीवारों के एरिया में छत का एरिया प्लस कर दिया, और छत का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो फ्लोर का एरिया होता है वही छत का एरिया होता है। बताइए दोनों क्वेश्चन सेम निकले कि नहीं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, आज हम ये तीन क्वेश्चन ही करेंगे, तो ये फॉर्मूले और ये तीन क्वेश्चन आप आज पक्के करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 13.1 कंप्लीट कराऊंगा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब आपके माइंड में आएगा तो आपको समझने में खूब मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके जैसा क्वेश्चन और कौन सा करते हैं, आइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को इसे बाद में मिटाएंगे, पहले 8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रवीण वॉन्टेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, प्रवीण को अपनी कार खड़ी करने के लिए एक शेड बनानी है, शेल्टर बनाना है। अब देखिए शेल्टर कैसे बना रहा है, बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर टर्पुलेंस द कनवास ऑल द फोर साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार, क्या क्या ढकना चाहिए, कार की छत भी कवर हो जानी चाहिए, ठीक। उसने जो कपड़ा लिया ना कनवास, कनवास बोलते हैं टेंट के कपड़े को जिससे शेल्टर बनती है, तो उसने क्या किया, एक तो दीवारें चारों की चारों कवर कर दी, कार चारों तरफ से ढक गई, और क्या ढक गई, ऊपर की छत, ठीक है। द स्टिचिंग मार्जिन वेरी स्मॉल इट इज नेग्लिजिबल, कह रहे हैं हाउ मच टर्पुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है 2.5 मीटर, और ये देखिए ऐसे बनेगी शेल्टर, ये देखिए भाई अंदर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दिया, जैसे मारुति वैन होती है ना, मारुति वैन और कोई गाड़ी नहीं, मारुति वैन, मारुति वैन की चारों दीवारें ढक गई और ऊपर की छत ढक गई, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए, यहां पर क्या हेडिंग आएगा, हेडिंग आएगा एरिया ऑफ कनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द शेल्टर, कितना कपड़ा यूज होगा शेल्टर बनाने में, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ ऊपर की सीलिंग, क्योंकि गाड़ी के नीचे तो वो कपड़ा बिछाएगा नहीं, गाड़ी को ऊपर से ढकेगा, तो एरिया ऑफ सीलिंग, देखा आपने सेम फॉर्मूला यूज हुआ, बस वैल्यू अलग अलग है, और खाली उसने एरिया ही पूछा, इसमें तो शायद उसने कॉस्ट पूछी भी नहीं है, या कॉस्ट पूछी है नहीं, बस खाली हाउ मच टर्पुलिन, टर्पुलिन मींस मैंने आपको क्या बताया, वो कपड़ा जिसे टेंट के कपड़ा बोलते हैं कनवास, ठीक है। तो चलिए 2 बताइए, एच की वैल्यू कितनी 2.5, लेंथ कितनी 4 + 3 और 4 × 3, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 5 × 7 + 12 कितना हो गया 5 + 12 ये हो गया 747 मीटर स्क्वायर। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, कुछ आंसर मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसका भी आंसर फटाफट चेक कर लेते हैं।
तो इसे मैं आंसर भी निकाल के रखूंगा एक किताब में, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें एक ही फॉर्मूले को हमने एक ही एक्सरसाइज के तीन अलग अलग क्वेश्चन में सेम डिस्कस किया। ठीक है, तो जब भी चार दीवारें और छत की बात होगी तो चार दीवारों का एरिया 2HL+B और सीलिंग का एरिया LN2B, अगर इसकी जगह फ्लोर आ गया तो फ्लोर का एरिया भी LN2B। पहले क्वेश्चन में बॉक्स ओपन था, दूसरे क्वेश्चन में चार दीवारों में और छत पर कलर करना था, और तीसरे क्वेश्चन में एक कार को शेल्टर से ढकना है। ठीक है, तो चार दीवारें ढकी गई और ऊपर की सीलिंग ढकी गई। ठीक है, तो हमने एक साथ तीन क्वेश्चन किए एक जैसे एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, और मैंने आपको क्यूबॉइड और क्यूब के कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस करके बता दिए। डायगोनल का आजकल नया नाम चल रहा है एग्जाम में, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, तो बच्चे सोचते हैं ये लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है, क्यूबॉइड और क्यूब के डायगोनल को ही लॉन्गेस्ट रोड बोलते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा और आज के इस डिस्कशन को माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हमारी डेली क्लास होनी है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसे एक तो क्वेश्चन पढ़ने की कला आती होगी और दूसरा जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जल्दी से क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले याद कर लीजिए और देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से इसको अपडेट कंप्लीट करते हैं जिससे चैप्टर में मजा आए। और याद रखना चैप्टर 6 का टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए गुड डे।